नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन छोड़ने वाले हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और वापस कांग्रेस में आ सकते हैं? जी हाँ, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो बड़ी खबर हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये देखा जा रहा है कि बीते कुछ महीनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी आलाकमान के बीच अनबन दिखती नजर आ रही है। यह देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान से तो नाराज है ही, इसके साथ ही साथ पीएम मोदी और अमित शाह से भी नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी ये नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। पहले पर्दे के पीछे सिंधिया की नाराजगी दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह से अब सिंधिया समर्थकों को लेकर, सिंधिया को लेकर जो देखा जा रहा है उनका रुतबा, जिस तरह से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, इसका मतलब यह है कि बात बहुत बड़ी है। हालांकि इन सब के बीच अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी बढ़ जाती है और पार्टी आलाकमान सिंधिया को मना पाने में कामयाब नहीं होते हैं तो शायद सिंधिया बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। अब देखना यह होगा कि अगर कांग्रेस में वापसी सिंधिया जाएंगे तो क्या राहुल और प्रियंका उसी तरह से उनका स्वागत करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।